आखिर में वो दिन आ ही गया जिसका 500 वर्षों से सनातन धर्म मानने वाले इंतजार कर रहे थे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। विश्व संवाद केंद्र में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री एवं अक्षत वितरण अभियान के प्रांत संयोजक राजेश जैन ने कहा कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात पहले राजमहल में और अब 500 वर्ष के संघर्ष के पश्चात 22 जनवरी को अपने जन्मभूमि अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में विराजेंगे। 22 जनवरी को संपूर्ण प्रांत में भव्य दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा और प्रांत के 11,000 से अधिक मंदिरों में उत्सव मनेगा। मध्य भारत प्रांत से 22 जनवरी के कार्यक्रम में 121 पूज्य संतों को अयोध्या जाने का आमंत्रण आया है। 1 जनवरी 24 से अक्षत वितरण अभियान प्रारंभ हुआ जो 15 दिन तक चलेगा। हमारा लक्ष्य प्रांत के सभी 16,000 ग्राम और 35 लाख परिवारों को निमंत्रित करना है। एक भव्य मंदिर में श्री राम जी फिर से विराजित होने जा रहे हैं, तो एक दीपावली ईसा से 5,075 वर्ष पूर्व मनी थी और अभी 22 जनवरी 2024 को एक और दीपावली मनाने जा रहा है हिंदू समाज, सनातनी समाज। पूरे विश्व में जितने हिंदू हैं, जितने सनातनी हैं, वो 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन बनाएं, उसके लिए पूरी योजना तैयार है, पूरा खाका तैयार है। हमारे कार्यकर्ता एक पत्रक और एक चित्र लेकर और अयोध्या जी से पूजित अक्षत लेकर जन जन तक जा रहे हैं। लगभग हमारे यहाँ अभी तक 12,552 ग्रामों में हमने संपर्क कर लिया है। 16,000 ग्राम है हमारे मध्य भारत प्रांत में और हमारा लक्ष्य 35 लाख परिवारों तक पहुँचने का है। हम बनते हुए भी देख रहे हैं और उसमें भगवान श्री राम को विराजते हुए भी देखने जा रहे हैं, इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं और हम सबको सौभाग्य भी मिल रहा है कि हम उसके दर्शन भी करेंगे और उसको और भव्य बनते हुए भी देखेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।